सो गाइस अगर आप भी फ्री फायर गेम खेलते हैं तो उसमें इन दिनों आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी कि आपकी जो आईडी है वो लॉगिन नहीं हो रही है। जस्ट तो आप अगर फ्री फायर को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद क्या होता है, वो लॉगिन पेज पर अटक जाता है, वहां से वो आईडी लॉगिन ही नहीं होती है, आगे बढ़ता ही नहीं है। चाहे आप फ्री फायर में देख रहे हो, चाहे फ्री फायर मैक्स में देख रहे हो, दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का क्या है सॉल्यूशन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ ही प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसको कैसे ठीक किया, सारी चीज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को वीडियो कर लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना, जाने के बाद आपको देखना है कि आपकी जो फेसबुक ऐप है वो अपडेट है या फिर नहीं है। अगर अपडेट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने फेसबुक ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं उसके बाद अब आपको आपके मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, तो आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैनेजर्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जैसे सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक। जैसे आप फेसबुक करते हैं तो जहाँ पर फेसबुक आ जाता है तो आपको फेसबुक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे क्लियर डेटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्लियर डेटा इसका कर देना है। जस्ट तो क्लियर डेटा आपको कर देना है। जैसे आप क्लियर डेटा करते हैं उसके बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको सर्च करना है फ्री फायर। फ्री फायर सर्च करने के बाद इस पर भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्लियर कैचे करना है, क्लियर ऑल डेटा नहीं करना है, यहाँ से आपको क्लियर कैचे कर देना है। अगर आपको फ्री फायर मैक्स है तो आपको फ्री फायर मैक्स सर्च कर लेना है, तो क्लियर कैचे यहाँ से कर देना है। जैसे आप कर रहे थे उसके बाद आपको होम स्क्रीन पर आना और अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, स्विच ऑफ करके ऑन करना है। जैसे आप कर लेते हो उसके बाद आपको दोबारा से अपने फ्री फायर को ओपन करना है, उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। अगर आपको फ्री कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं।